हेलो एवरीवन, दिस इज एक्सरसाइज 6.5 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई. ये 15 मीटर लॉन्ग लैडर है और ये पहुंच रही है एक 12 मीटर हाइट पे, एक विंडो है वहाँ तक. From the ground, on placing it against a wall at a distance A, find the distance of the foot of the ladder from the wall. Question ये है कि एक जो ladder है, this is 15 meter long ladder, ये एक window तक पहुँच रही है और जो window है उसका ground से जो distance है वो कितना है, 12 meter है. हमें बताना ये है कि ये जो ladder का जो ये foot है और इस wall जिसके against ये ladder है उसके जो बीच का distance A है वो कितना है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये right triangle बना रहे, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है. दिस इज लैडर, ये लैडर है. तो अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी, तो लैडर है हमारी 15 मीटर और ये हमें जो डिस्टेंस है विंडोज का और ग्राउंड का दैट इज 12 मीटर और ये हमें दिया हुआ है ए. और हमें यही निकालना है कि ये जो लैडर का फुट है और इस वॉल के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है. तो हमने देखा है कि जो राइट ट्रायंगल होता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं. वो क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो उसके जो सामने वाला है साइड वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस. तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. तो हम इसी को यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में. सो इन राइट ट्रायंगल तो हमारा राइट ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमें गिवन क्या है, ए बी. ए बी कितना है, ए बी है 15 मीटर, बी सी है 12 मीटर और ए बी है ए, जो कि हमें निकालना है. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी का स्क्वायर है, यानी कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड. तो यानी कि बीसी का स्क्वायर दोनों रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा. तो एसी का स्क्वायर हमें गिवन है 15, तो 15 का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर हमें गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस ए बी हमें दिया हुआ है ए का स्क्वायर. हमें ए का स्क्वायर चाहिए यानी कि हमें ए चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 12 के स्क्वायर को इधर ले आते हैं या पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं. तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225. ये आपको लेकिन मल्टीप्लाई करना करके देखना पड़ेगा, 15 इंटू 5 15, तो 5 5 25 2 5 1 5, तो ये आ जाएगा आपका 225 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, ये होता है 144. बट आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 144 प्लस ए का स्क्वायर, 144 इधर आएगा इक्वल टू के इधर, तो ये माइनस हो जाएगा, 144 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर. 225 माइनस 144 कितना होगा करके देख लेते हैं, तो ये आएगा 81. तो 81 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर. ये ए का स्क्वायर आया है बट हमें ए का स्क्वायर नहीं चाहिए ना, हमें तो ए चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 81 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं ना 9 का स्क्वायर यानी कि 9 × 9 वो क्या होगा, 81. तो हम इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए कितना आ गया हमारे पास, ए आ गया 9 मीटर. हमें वही चाहिए था. तो ये ए हमारे पास आ गया 9 मीटर. तो कितनी दूरी पर है लैडर का जो फुट है और वॉल से, दैट इज 9 मीटर. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल. इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल. क्वेश्चन ये है कि हमें ये कुछ साइड्स गिवन हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी साइड्स हैं जो राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं. और अगर वो राइट ट्राइंगल की साइड हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड्स जो हैं वो राइट ट्राइंगल की होती हैं.
तो वो राइट ट्राइंगल के लिए जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लेट सपोज अगर ये राइट ट्राइंगल है तो जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है, कौन है उसकी लॉन्गेस्ट साइड, जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी वो लॉन्गेस्ट साइड है, जिसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, इसका जो स्क्वायर होगा, लेट सपोज ये ए है, तो ए का जो स्क्वायर होगा ना वो बराबर होगा इन जो अदर टू साइड्स हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर। लेट सपोज ये बी है और ये सी है, तो यानी कि बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इट मीन्स कि जो अकेला ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका जो स्क्वायर है वो बराबर होता है ये जो अदर टू साइड्स होती है ना इनके स्क्वायर के सम के बराबर, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। तो हम इनको इसी के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कौन सी है, ये 2.5 है, ये 6.5 है, ये 6 है, तो लॉन्गेस्ट 6.5 है ना, तो पहले हम इसका स्क्वायर करके देखेंगे। तो 6.5 का स्क्वायर कितना होगा, तो करके देख लेते हैं। 6.5 × 6.5, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 30, 32, 6 × 5 = 33 कैरी ओवर, 6 × 6 = 36, 37, 38, 39 पॉइंट दो के बाद, तो पीछे से दो के बाद ये आ गया हमारे पास 42.25। ये अभी हमने लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर निकाला है क्योंकि इन तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट यही है। अब ये जो बाकी की दो बची है ना, इनका इनको हम कंबाइन इनका स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 2.5 का स्क्वायर, करके देख लेते हैं। 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10, 11 = 12, 2 × 5 = 10, 1 × 2 = 4, 5 तो ये आएगा 6.25 पॉइंट दो के बाद, तो 6.25। तो 2.5 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 × 6 = 36, इनको हम प्लस करेंगे तो 6 + 36 = 42, 42.5। तो जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो कितना आ रहा है, 42.25, और इन दोनों का जो स्क्वायर का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 42.25, ये दोनों बराबर है ना। तो इट मीन्स कि ये जो साइड्स हैं 2.5, 6.5, 6, ये राइट ट्राइंगल की साइड हो सकती हैं। तो अब हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। ए बी सी, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी हमारी, 6.5, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं 2.5 और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर वो ये साइड्स अगर राइट ट्राइंगल की हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना है राइट एंगल कहाँ बनेगा। तो ये बन रहा राइट एंगल बी पे, तो एंगल बी इज द एंगल बी इज द राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में भी हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट देखते हैं। लॉन्गेस्ट कौन सी है हमारी, 5, तो हम 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और अब इन दोनों साइड्स का स्क्वायर देख लेते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो कितना आएगा 8, बट 25 इज नॉट इक्वल टू 8 ना, ये 25 इज नॉट इक्वल टू 8, तो इट मीन्स कि ये जो साइड्स हैं ये राइट ट्राइंगल की साइड्स नहीं हैं। So these sides cannot be, so the given sides cannot be the sides of right triangle. Now the third part, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कौन सी है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है, तो 2.5 ही सबसे बड़ी है ना, तो 2.5 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 6.25 होगा। अभी हमने किया था यहाँ पे फर्स्ट वाले में 6.25 होगा। अब बाकी को दो साइड्स और ले लेते हैं, 1.5 का स्क्वायर प्लस
टू का स्क्वायर, इन दोनों का देख लेते हैं। 1.5 इंटू 1.5 कितना होगा, 5 5 25 2 5 1 5 6 7 1 5 5 1, ये आएगा आपके पास 2.25 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 6.25, ये भी 6.25 है और इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो भी 6.25 है, दोनों बराबर है। इट मीन्स कि ये जो साइड्स हैं ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं। अब हम इनका ट्राइंगल बना लेते हैं, तो ये राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, ए ए बी सी बना लेते हैं, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारी क्या थी, इसमें 2.5, ये 2.5 है, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं 2 और ये 1.5, तो यहाँ पे जो राइट ट्राइंगल बन रहा, राइट एंगल बन रहा है वो कहाँ, किस पे बन रहा है, सी पे ना, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी इज़ द राइट एंगल, इस एंगल सी इज द राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हमें यही बताना था। तो बहुत ईजी है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा जो अदर टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर, और ये हमारी हाइपर पाइथागोरस थ्योरम होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।